मुंडकर पंचायत प्रधान प्रकाश चंद तथा बीडीसी सदस्य अजय कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा से मिला। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर को मुंडकर में पिछले दिनों टैक्सी चालक प्रदीप कुमार की हत्या के बारे में अवगत करवाया। करीब डेढ़ माह से प्रदीप कुमार के मौत के गुनहगार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मृतक टैक्सी चालक प्रदीप कुमार के चाचा विधिचंद तथा दादी ने उसे पाल पोस्ट कर बड़ा किया और अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। प्रदीप कुमार की हत्या से परिवार पूरी तरह से टूट चुका है तथा गरीबी के पिछले दिन फिर से चुनौती लेकर खड़े हो गए हैं। मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी सुमना देवी को कोई भी आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से प्रदान नहीं की गई है। इस प्रतिनिधि मंडल में कबीर पंत सुधार सभा मंडी के महासचिव विधिचंद कौंडल सहित करीब दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला। 13 मई रात को बेरहमी से कत्ल कर उसके शव को गांव के नजदीक ही फेंक देना इस क्षेत्र के लोगों में एक प्रकार से भय फैलाना था। मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी को जिला प्रशासन डेढ़ माह तक कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दे पाया है। वहीं पंचायत प्रधान प्रकाश चंद तथा बीडीसी सदस्य अजय तथा ग्रामीणों ने बताया कि इस हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस डेढ़ माह के समय तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मुंडकर प्रदीप कुमार हत्याकांड की जांच सीबीआई पुलिस को सौंप दी जाए जिससे इस हत्याकांड से पूरी तरह से पर्दा उठ सके, वहीं इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। वहीं इस बात को लेकर भी रोष है कि इस पीड़ित परिवार की विधवा सुमना देवी का नाम भी बीपीएल सूची में दर्ज नहीं किया गया है। इस हत्याकांड के तह तक पहुँचने के लिए पुलिस जाँच को भी प्रभावित किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय से हमारे जो गांव का डेलीगेशन मिला, हमारी ये मांग थी मुख्यतः कि जो 13 मई को मर्डर हुआ था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, और यदि ये पुलिस के मामला सुलझाने का नहीं है तो इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, हमारी मुख्यतः ये मांग थी। और लोगों में भी एक भय का माहौल बन गया है क्योंकि इतने दिनों के बाद मुजरिम को ना पकड़ा जाना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, एक किस्म से लगता है जैसे कि पूरा मामला जो है ठंडे पसीने में चला गया है। इसलिए आज उपायुक्त महोदय से हम मिले, इसके साथ हम एसपी साहब से भी मिलेंगे और इस मुद्दे के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये मांग ज़्यादातर प्रशासन से रहेगी कि यदि इस मुद्दे का जल्द समाधान यदि ऐसे नहीं हो पाता है तो इस मामले को जो सीबीआई को दिया जाए। जिलाधीश महोदय के साथ जब हम मिले उनके साथ हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि आज तक जो मतलब 55 दिन कुछ भी ऐसे जैसे हो गए हैं उसके लिए अभी तक कोई ऐसा कोई मतलब जो लोग पकड़े जाने हैं या कहीं पकड़े गए हैं या कुछ है कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैडम जी से हमारी रिक्वेस्ट रही कि आप एसपी साहब से बात करें और जल्दी से जल्दी जो भी गुनाहगार हैं उनको पकड़ा जाए। अगर प्रशासन ऐसी हमारे साथ नहीं अगर कोई कार्रवाई करता है तरीके से ठीक से तो हम जो है सड़क पे उतर कर चक्का जाम करेंगे और ये हमारी एक सुनवाई जो है सीएम तक जाएगी और हम सीएम से भी एक लेटर हम सीएम साहब को भी दे रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी जो आपके माध्यम से हम सीएम साहब को भी। दूसरी ओर कबीर पंथी सुधार सभा के महासचिव विधिचंद कौंडल ने बताया कि प्रदीप हत्याकांड से डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। प्रतिनिधि मंडल में आए ग्रामीणों ने उपायुक्त से इस हत्याकांड के दोषी लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदीप हत्याकांड मामले की आगामी कार्यवाही भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने जानी है। वहीं पुलिस जांच में रुकावट डालने के पीछे के कारणों को भी उनसे ग्रामीणों ने विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रदीप कुमार हत्याकांड के मामले में सीबीआई के हवाले करने के लेकर पंचायत प्रधान तथा अन्य ग्रामीणों की इस बारे में आधा घंटा तक बातचीत चली। इस घटना में शीघ्र ही पुलिस को कुछ नए तथ्य भी मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल खंगाल चुकी है, इससे भी थोड़ा पुलिस को आधार तथ्य जुटाए गए हैं। जो बंदी उन्होंने अपने उसमें दायरे में लिए, सके दायरे में लिए हुए, उनको ये पता है कि वहाँ डॉक्टर कौन जाएगा जहाँ टेस्ट होना है। हम लोगों को नहीं है पता, उनको पता है। कैसे पता है उनको? अगर ऐसी ऐसी बातें अगर बीच में आती है तो फिर इसका मतलब फिर इंक्वायरी का है क्योंकि हमें जो मतलब उस लड़के का चाचा है उसको पता नहीं है कौन डॉक्टर जा रहा है, और जो बंदे 8-9 बंदे जो कह रहे हैं उनको पता है कि फलाना डॉक्टर जो है वहाँ पे है। कैसे हुआ
क्या इसका मतलब यह है कि इसमें गड़बड़ है भाई?